सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हमजा, यू आर वाचिंग हाउ टू। तो व्यूअर्स, अब जो हैं आप अपना वाईफाई पासवर्ड किसी भी शख्स को खुशी खुशी से दें, लेकिन वो बंदा फिर भी जो है आपका वाईफाई यूज़ नहीं कर सकेगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो की जानब बढ़ते हैं। व्यूअर्स, आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लें, और आप अगर मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे भी आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, और फिर कोई भी सर्च इंजन जो आप यूज़ करते हैं आप उसको ओपन कर लें। मैं गूगल यूज़ करता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, आपने सर्च करना है माई आईपी एड्रेस। व्यूअर्स, ये जो टॉप पे आपका आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा पब्लिक, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। और उसके बाद जो है आपने यहाँ ऊपर यहाँ पे यूआरएल लिखी हुई आती है, वहां पे आपने इसको पेस्ट करना है और इंटर दबा देना है। तो व्यूअर्स, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक विंडो सामने आएगी। यहाँ पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने PTCL का जो DSL वगैरह लाया हुआ है, अगर आपने उसके ऊपर कोई अपना पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करके रखा हुआ है, तो आपने वो टाइप करना है। अगर डिफ़ॉल्ट है, आपने कुछ तब्दीली नहीं की, तो वो होता है एडमिन। यूज़र नेम भी एडमिन ही होता है और पासवर्ड भी उसका एडमिन होता है। तो मैं भी टाइप कर रहा हूँ यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। उसके बाद आपने लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे, इस तरह से कुछ सामने विंडो या वेब पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे डिवाइस इन्फो यानी कि डिवाइस इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है DHCP। जैसे आप व्यूअर्स DHCP पे क्लिक करेंगे, तो वो डिवाइसेस जो आपके वाईफाई या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैक एड्रेस और उसके अलावा आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे डिवाइसेस के नाम भी साथ में आ रहे होंगे। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो अभी मेरे वाईफाई या लैन कनेक्शन के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सामने हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो आ रहा है। और व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि मैक एड्रेस हर डिवाइस का डिफरेंट होता है, और उसके बाद जो है आपके सामने आईपी एड्रेस आ रहा है। व्यूअर्स, आपने जिस डिवाइस को रोकना है वाईफाई यूज़ करने से, तो व्यूअर्स आपने उसका मैक एड्रेस कॉपी करना है। उसके बाद आपने यहाँ वायरलेस है, आपने यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैक फिल्टर, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिर ये ऑलरेडी दो डिवाइस मैंने ब्लॉक की हुई हैं, ये दोनों मेरे कजन्स की हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिनाई पे क्लिक है, मतलब डॉट जो मैंने सेलेक्ट किया वो डिनाई पे है। अगर आप डिसेबल्ड पे, ये पहले होगा डिफॉल्ट, अगर ये डिसेबल्ड पे हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये दो डिवाइसेस आपका जो मतलब मैक फिल्टर है वो डिसेबल्ड हो गया है, और ये दो डिवाइसेस जो मैंने सेलेक्ट की हुई ये भी वाईफाई यूज कर सकेंगी। तो व्यूअर्स, आपने जो है इसको हमेशा डिनाई पे रखना है। और देखें, अभी दोबारा से पेज रीलोड होगा, और ये दोबारा से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मेरे वाईफाई को। तो व्यूअर्स, आपने यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है वो मैक एड्रेस जो आपने वहाँ कॉपी किया था। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको अपना मोबाइल भी साथ में, मोबाइल की स्क्रीन भी शो करता हूँ। तो जैसे ही मैं अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करूँगा, तो मेरा मोबाइल का जो इंटरनेट है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये अभी आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल पे इंटरनेट है वो कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्टेड है। तो चलिए मैं भी यूज़ करके आपको कुछ बताता हूँ। इसमें मैंने कुछ भी सर्च किया, लेकिन सर्च हो रहा है। जैसे मैं अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करूंगा, तो व्यूअर्स यहां से इंटरनेट कनेक्शन मेरा डिसकनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई में यूज नहीं कर पाऊंगा।
तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्शन खुद बहुत डिसकनेक्ट हो गया है। तो व्यूअर्स चलिए वाईफाई की सेटिंग्स में जाके देखते हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं सेव्ड और सिक्योर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा यही लिखा हुआ आएगा और कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करेगा वाईफाई, लेकिन स्कैन वगैरह कर रहा है पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो व्यूअर्स चलिए मैं अभी आपको मैक एड्रेस भी दिखा देता हूं अपने सेल का जो मैंने यहां पे पेस्ट किया। आप जिस सेल को अगर आपने ब्लॉक किया है अगर आपको नहीं याद तो आप मैक एड्रेस उसके वाईफाई सेटिंग्स में देख सकते हैं। तो जो मैक एड्रेस होगा आप वहां से मैचिंग मतलब मैच कर रहा होगा जो आपने वहां अपनी पीटी सेल की सेटिंग्स में डाला हुआ है वो आप सिंपली उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा मैक एड्रेस और अभी मैं इसको रिमूव करूंगा तो आप देखिएगा कि खुद बखुद ही मेरा वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने रिमूव पे इस दफा क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा आपका वाईफाई यूज करे। तो ये देखिए मैंने रिमूव पे क्लिक कर दिया है और अभी दोबारा से रीलोड होगा पेज ये वाला। मैं अभी आपको वाईफाई सेटिंग्स में बता देता हूँ। देखिए इस कनेक्टिंग इस तरह से ये देखें मेरा वाईफाई जो है कनेक्ट हो गया है। व्यूअर्स इस तरह से आप किसी भी शख्स को अपना वाईफाई यूज करने से रोक सकते हैं बिना किसी ऐप और सॉफ्टवेयर के। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आपने चैनल के रिलेटेड कोई भी सजेशन देनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।